नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों अभी अभी हम घर से निकले हुए थे बाहर, तो रास्ते में चलते चलते हमको ये पौधा दिख गया। तो दोस्तों आज को सोच रहे हैं कि आपको इसके बारे में बता दें और इसके औषधि गुणों से परिचय करा दें। दोस्तों बहुत ही बेहतरीन औषधि है, आप जो वीडियो में देख रहे हैं आप इसे अच्छी तरह से देख लीजिए और पहचान लीजिए। कुछ लोग इसको जानते भी होंगे क्योंकि यह अक्सर आपको बरसात के बाद खेत खलिहान में यह आसानी से देखने को मिल जाता है। तो अभी अभी रोड के किनारे ये पड़ा हुआ दिखा, तो हम सोचे वीडियो बना करके आप लोग से शेयर करें। दोस्तों इसको ध्यान से इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा क्योंकि यह बहुत ही बेनिफिशियल वीडियो है। तो दोस्तों चलिए इसके औषधि गुणों से बात परिचय करा दें, आपको औषधि गुणों के बारे में बता दें। ये देखिए दोस्तों इस तरह से होते हैं और यह रोड के किनारे आपको देखने को अक्सर मिलेगा या फिर खेत खलिहान में भी आसानी से आपको देखने को यह पौधा मिल जाएगा। आप इसे अच्छी तरह से देख लीजिए और पहचान लीजिए, इस तरह से इसके फूल होते हैं, फल होते हैं। दोस्तों इसके पत्ते को देख लीजिए, जैसे बांस के पत्ते होते हैं ना उस तरह से है, या फिर गन्ने का जो पत्ती होते हैं, ईख का जो पत्ती होते हैं ना उस तरह से ये पत्ती इसके हैं, इस तरह से पत्ती होते हैं। और इसमें मंजरी लगते हैं, जैसे कि बाजरे की मंजरी नहीं होते हैं उस तरह से इसमें मंजरी लगते हैं, जो कि देख ही रहे हैं आप वीडियो में। और दोस्तों ये इसकी खासियत होती है कि आप इस मंजरी को तोड़ करके और किसी के कपड़े पे भी फेंक देंगे ना तो बहुत अच्छी तरह से ये चिपक जाती है। बच्चे, छोटे बच्चे सब इसको खेलते भी थे कपड़े में चिपका चिपका करके, किसी के ऊपर फेंक दीजिए चिपक जाता है, बाल पर फेंक दीजिए चिपक जाता है। तो दोस्तों वीडियो में बने रहें, मैं इसका नाम बताऊंगा, इसका सेवन करने के तरीका बताऊंगा और कौन कौन सी बीमारी में इसका प्रयोग किया जाता है वो भी बताऊंगा। आप वीडियो को ध्यान से देखें ज़रूर। दोस्तों वीडियो पे बने रहें, अगर वीडियो अच्छा लगे दोस्तों एक लाइक ज़रूर कर देना। एक लाइक करने से मेरा मोटिवेशन अप होता है, आपके एक लाइक करने से मुझे कोई पैसे नहीं मिलते हैं, बस मेरा मनोबल बढ़ जाता है जिसकी वजह से आपके लिए ऐसे ही वीडियो हम लाते रहते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। यह जो वनस्पति देख रहे हैं ना दोस्तों, यह एक तरह के घास फूस के तरह होता है और यह झाड़ीनुमा पौधा होता है और बहुत ही हरे भरे होते हैं बरसात के मौसम में। लेकिन दोस्तों इसके औषधि गुणों के बारे में जानेंगे ना तो आप हैरान हो जाएंगे। तो सबसे पहले इसका नाम बता दें, इसका नाम है कुत्ता घास के नाम से जाने जाते हैं, गीदर पूछ के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों ये जो मेरे हाथ में देख रहे हैं ना, यह मंजरी जो है यह गीदर के पूंछ के समान दिखती है, इसीलिए इसे गीदर पूंछ के नाम से भी जाने जाते हैं, साथ साथ इसे कुत्ता घास के नाम से भी जाने जाते हैं, कहीं कहीं तो इसे कुतरी घास के भी नाम से जाने जाते हैं। दोस्तों आपके भी क्षेत्र में किसी और नाम से जाने जाते होंगे तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ। तो आपके क्षेत्र में जो नाम से जाने जाते हैं कुछ और नाम से जानते हैं, अगर हम आप मुझे बताएँगे तो हम और भी व्यूअर को आगे बताएँगे ताकि लोगों को पहचान करने में दिक्कत ना हो। और इसका वनस्पतिक नाम यानी कि वैज्ञानिक नाम जो इसका है, सेटेरिया गोलोका के नाम से जाना जाता है। दोस्तों अगर आप इसका सेवन करते हैं ना तो आपके जो पेशाब के अंदर जो जलन होता है, रुक रुक के पेशाब होता है, या फिर कोई तरह दर्द होता है, इन्फेक्शन हो गया है, या फिर दोस्तों किडनी संबंधी कोई परेशानी है, उसको यह सही करने के लिए बहुत बेहतरीन औषधि है, बहुत ही अच्छा औषधि माना गया है। इसके जो बीज होते हैं ना बहुत ही उपयोगी होते हैं, खास करके पेशाब रोग के लिए, चाहे खुल करके पेशाब आता है, सूजन हो गया उसको सही करता है, या रुक रुक के आता है उसको भी सही करता है, पेशाब संबंधी समस्याओं के लिए इसका बीज बहुत ही उपयोगी है। या पेट की समस्या हो, किडनी की समस्या हो, लीवर की समस्या हो, सारे समस्या को सही करने के लिए बहुत बेहतरीन है। यहाँ तक कि दोस्तों अगर सांप का जहर हो काट लिया हो उसको भी यह रोकने में या ख़त्म करने में, उतारने में बहुत बेहतरीन काम करता है। इसके अलावा दोस्तों चर्म रोग हो, त्वचा रोग हो, जैसे दाद, खाज, खुजली, एक्जिमा, सोराइस, फोड़े, फुंसी, सफ़ेद दाग, सबके लिए बहुत बेहतरीन औषधि है। लिए दोस्तों इसको विस्तार से जान लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जैसे मूत्र संबंधी विकार हो गया हो, पेशाब जैसे जलन होता है, या सूजन हो गया हो, या किडनी में कोई तरह की इन्फेक्शन हो गया हो, या उसके वजह से प्रॉब्लम आ रहा हो, उसके लिए बहुत अच्छा इसका प्रयोग है। आपको कैसे प्रयोग करना है मैं बता दे रहा हूँ। तो जैसे कि मूत्र संबंधी विकार हो तो आप देख रहे हैं ना मेरे हाथ में, ये अभी कच्चे अवस्था में है, जब ये पक जाए ना तो आप क्या करें, इसको तोड़ करके एक जगह अच्छा से कलेक्शन कर लें, बहुत जमा कर लें, और इसको जैसे कि ज्वार ज्वारा होता है या फिर गेहूं होता है उस तरह से इसको जब कूटेंगे ना तो इससे दाने निकलते हैं, बीज निकलते हैं।
दोस्तों उस बीज को आप इकट्ठा करके और इसको सुखा करके पाउडर बना करके किसी भी डब्बे में इसको रख लें। इसका सेवन कैसे करना है, उस पाउडर को एक एक चम्मच सुबह शाम एक गुनगुने पानी के साथ, एक गिलास के पानी साथ इसका सेवन करें। आपके मूत्र संबंधी कोई भी विकार हो उसको दूर करने के लिए बहुत बेहतरीन औषधि है। दोस्तों अगर ज़्यादा पेशाब संबंधी दिक्कत आ रहा है ना, तो दोस्तों एक प्रयोग कर सकते हैं, गीदर फूज के बीज को चूर्ण और उसमें गोखरू दोनों बराबर मात्रा में मिला करके आप पानी के साथ इसका सेवन करें, सुबह शाम करें। दोस्तों पेशाब संबंधी कोई भी भारी से भारी प्रॉब्लम हो या किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो उसको दूर करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। दोस्तों उसी तरह अगर किसी को चर्म रोग हो गया हो, त्वचा रोग हो गया हो, तो उसमें भी इसका बहुत अच्छा प्रयोग है। आप जैसे मेरे हाथ में देख रहे हैं ना मंजरी, इसको ले आएँ और चाहे कच्ची अवस्था में हो या सूखी अवस्था में, पकने की जो अवस्था होता है ना उस समय आप क्या करें, इसको ले आए और इसको सिलवट्टे पे पीस करके पेस्ट बना लें, हल्का पानी मिला लें। इसके बाद उसमें क्या करें, हल्दी थोड़ा सा मिला लें और थोड़ा सा कपूर मिला करके अच्छी तरह से पेस्ट बना लें, और जहाँ पर भी दाद खाज खुजली हो, चर्म रोग हो, आप वहाँ पे वो पेस्ट लगाएं। दोस्तों इस तरह से आप 5 से 6 दिन कंटिन्यू लगाइए, दोस्तों किसी भी प्रकार का चर्म रोग हो वो जड़ से खत्म हो जाता है। चर्म रोग के लिए बहुत बेहतरीन औषधि है। या फिर दोस्तों अगर फोड़े फुंसी हो गए हैं चाहे चेहरे पे चाहे शरीर में किसी भी, तो इसके पत्ते को भी पीस करके आप उस जगह पेस्ट बना करके आप लगा सकते हैं। अगर दोस्तों आपको कमजोरी लग रहा है या भयंकर से भयंकर कमजोरी हो गया हो, जैसे कि सर दर्द की समस्या होती है, जोरों में दर्द होता है, किसी काम में मन नहीं लग रहा है, आप परेशान परेशान रहते हैं, किसी काम में रुचि नहीं लगता है, खाना खाने का मन नहीं करता है, हमेशा आलस आता है, जरा सा भी काम करते हैं थक जाते हैं, तो दोस्तों इसका बहुत सरल सा प्रयोग है। आप जो देख रहे हैं ना, इसका पकने के बाद आप इसको कलेक्ट कर लीजिए और इसका जो बीज निकलता है उस बीज का आप खीर बना के खाइए। किसी भी प्रकार का कमजोरी हो शरीर में, किसी भी प्रकार का आलस हो या भूख ना लगने की समस्या हो, बदन दर्द हो रहा हो, मांसपेशी में दर्द हो रहा हो, घुटनों का दर्द हो रहा हो, दोस्तों किसी भी प्रकार का आपको प्रॉब्लम है उसको सही करने के लिए बहुत बेहतरीन इसका खीर होता है, आप ज़रूर इसका प्रयोग करें। दोस्तों हाँ, खीर बनाने टाइम अगर इसमें आप जो ड्राई फ्रूट होता है ना उसको भी डाल सकते हैं, जैसे काजू किशमिश और नारियल, ये सब डाल करके भी बना सकते हैं टेस्ट बढ़ाने के लिए। जैसे मखाने का आप खीर बनाते हैं, चावल का खीर बनाते हैं, उसी तरह इसका भी खीर बनता है। दोस्तों ये जो बीज होते हैं ना, आप 20 से 25 ग्राम की मात्रा में खीर बनाएं, एक आदमी का बता रहे हैं। इस तरह से आप डेली रात में सोते समय खीर खाते हैं, आपके शरीर में गजब की एनर्जी आएगा, किसी भी प्रकार का कमजोरी हो उसको दूर करेगा, बहुत ही बेहतरीन इसका खीर होता है। इसमें दोस्तों प्रोटीन भरपूर मात्रा में पाया जाता है, कैल्शियम, फास्फोरस और बहुत सारे विटामिन्स मिनरल्स इसमें मौजूद होते हैं, जो हमारे शरीर को बहुत स्ट्रॉन्ग बना देता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा देता है। और दोस्तों यह शक्ति वर्धक होता है, जैसे पौरुष जीवन को बढ़ाता है, पुरुष में अगर वीर की कमी है या नपुंसकता की बीमारी है या शुक्राणु की कमी आ गया है उसको यह पूरा करता है। बहुत किसी भी प्रकार का समस्या हो, चाहे महिला हो पुरुष दोनों यह प्रयोग कर सकते हैं। महिलाओं में जैसे मासिक धर्म के टाइम कमजोरी आ जाता है या फिर ज़्यादा ब्लडिंग होता है जिसकी वजह से चिड़चिड़ापन और शरीर में जैसे कमजोरी आ जाता है, बहुत सारी बातें होते हैं उसको दूर करने के लिए इसका खीर का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि पुरुष में भी जैसे मैंने बताया कि नपुंसकता की बीमारी या वीर की कमी, उसको यह पूरा करता है। तो दोस्तों यह बहुत ही बेहतरीन औषधि है, खास करके महिलाओं और पुरुष के लिए। तो दोस्तों इसका प्रयोग ज़रूर करें, गीदर का पूज बहुत ही बेहतरीन औषधि है। दोस्तों गीदर का पूज के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, बहुत सारे फ़ायदे हैं और यह अक्सर आपको बरसात के मौसम में बहुत सारी मात्रा में मिलेगा। तो दोस्तों बरसात जैसे ख़त्म होने लगते हैं तो ये पकने भी लगते हैं, तो आप इसका बीज इकट्ठा कर लें और इसके बाद किसी भी कंटेनर में इसको रख लें। आप कभी भी इसका किसी को भी प्रॉब्लम हो तो आप इसका खीर बना के खाएं, बहुत ही पौष्टिक, बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। दोस्तों आज हमने बताया गीदर के पूज के कुछ फ़ायदे के बारे में,
उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो दोस्तों एक लाइक कर देना, और एक अगर लाइक करते हैं तो मेरा मोटिवेशन आप होता है, जिसकी वजह से आपके लिए हम ऐसे ही वीडियो लाते रहते हैं और आपको बताते रहते हैं। तो फिर मिलते हैं दोस्तों एक नई जानकारी के साथ, एक नई औषधि के साथ। तब तक के लिए दोस्तों आप लोग खुश रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।